कैसे हैं आप सब। तो ये है एक नया ब्लॉग और अब से गुड़गांव के ब्लॉग फिर से चालू हो जाएंगे। तो बस अभी मैं रेडी हो गई थी और आप सोच रहे हो कि ये क्या है। इस कमरे की ना एक ये लाइट बची है, ये वाली ना फ्यूज़ हो रही है, मतलब झपक झपक कर रही है, तो इसीलिए मैंने टॉर्च ऑन कर रखी ताकि ढंग से दिख जाऊँ आपको। और यहाँ ये छाया रेडी हो रही है। और अब आपको दिखाते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी 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 यहाँ पे ये पराठा बना रही है। और बस अभी आज हमारा पेपर है और फाइनल फाइनल पेपर स्टार्ट हो गया आज से हमारे। मतलब आज तो ऐसे ही है, आईटी का है, पर 1 तारीख से बिल्कुल एकदम फाइनल वाले स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे से पहले स्टार्ट हो गए 24 को। तो मिलते हैं आपको आगे। बाय बाय। बच्चे चले गए स्कूल, अब मैं करती हूँ काम। ये बेडशीट चेंज कर देती हूँ, बेड शीट वगैरह चेंज कर दिया, पूरा बेड मैंने सेट कर दिया बिल्कुल अच्छे से। भाई यार थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है क्योंकि पता नहीं इसी एक लाइट में क्या हो गई, ये फ्यूज होगी क्या, कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है ये, ऐसे जसबूझ जसबूझ कर रही है, शायद ख़राब होगी इसलिए ऐसे कर रही है। और एक लाइट से बिल्कुल अभी अंधेरा अंधेरा लग रहा है रूम में, ख़राब ही होने वाली है शायद, कभी जल रही है कभी बुझ रही है, पता नहीं, बंद ही कर देते हैं। अलमारी कर दी है सेट, ये अलमारी भी सेट हो गई है, नीचे ये कपड़े हैं, ऊपर मेरे, ये भी मैंने सेट कर दिया है, और ये भी मैंने कर दिया है, ये मैं इसके पापा की है, इसमें मैं सॉक्स वगैरह रख देती हूँ। अभी ये प्रेस करना कुर्ता पजामा है। ये भाई मैं तो ऐसे रखती हूँ साइड में, बनियान रख देती हूँ तय करके, पैंट वगैरह एक साइड, हैंकी, और इधर ये एक दो जैकेट है, फिर पीछे शर्ट वगैरह है, ये सब मैंने सेट कर दिया है। और ये वाली अलमारी में मैंने कर दी है सेट, इसमें थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं तो ये भी मैंने कर दिया है। अब ये सॉक्स हैं, ये अलमारी है इसके पापा की है, ये मैं इसमें पॉलीथीन में अलग से जोड़े बना के रख देती हूँ जो इजीली मिल जाए, ढूंढने ना पड़े। और ये हमारी है, ये पॉलीथीन मैंने इधर रख रखा है, इसमें भी हमारे हमारे और बच्चों की, मेरी और बच्चों की। लाइट कर देते बंद, अब चलते हैं बाहर, मंदिर की तो चलती रहती है हमारी। अब मैं किचन में चलती हूँ, किचन में क्या करूँगी, अभी तो मेरी सुबह की चाय वाई के नाश्ता वगैरह था बच्चों ने, उनके बर्तन है, किचन साफ करूँगी। अभी किचन तो पूरी फैली पड़ी है, आगे आगे क्या करते हैं फिर दिखाती हूँ आपको। आऊँगी गाजर का रायता, गाजर मैंने उबाल लिए और ठंडे होने के लिए रख दिए, ठंडे हो जाए जब इसको निचोड़ के फिर रायता बनाऊँगी। इतने में क्या करती हूँ, इतने में झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू से पहले मैं जाऊँ। काम हो रहा मेरा, झाड़ू से पहले भाई मैं पानी देती हूँ, मैं भाई ऐसे क्योंकि पेड़ पौधों पर ना धूल हो जाती है और इससे ना सारी धूल हट जाती है और फिर ग्रीन ग्रीन पत्ते अच्छे लगते हैं। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। बेडरूम तो हो गया सेट और ये रूम भी मैंने सेट कर दिया, वैसे तो यहाँ स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं, इसमें मंदिर है और अलमारी है, जो कंबल वगैरह मैं इधर ही बेड पर रख देती हूँ। तो इस रूम में कई बार बच्चे पढ़ लेते हैं, एकांत सा हो जाता है, ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं है इस रूम में, पर फिर भी मैंने सेट कर दिया है। और ये कमरा भी कर दिया है सेट, अब मेरा झाड़ू पोछा करूँगी, मेरे बच्चे भी हैंकी निकाल के इधर डाल जाते हैं, नहीं मशीन में डालते धोने का जो।
ये देखती हूँ कपड़े सूख गए होंगे तो उतार लेती हूँ, तय करके रख देती हूँ, प्रेस होगी जब होगी। वैसे तो पत्ते सारे झड़ गए क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा आ रहा है, लेकिन देखो अब ग्रीन ग्रीन कितने अच्छे लग रहे हैं सारे। मैंने ये शायद मिर्च जाम की लग रही है इसमें, क्योंकि मैंने मिर्च का बीज डाला था तो मुझे ऐसा लग रहा है मिर्च है इसमें छोटी छोटी, और बड़ी होगी तो पता चलेगा क्या है, पर मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है मिर्च के छोटे छोटे पौधे जम गए हैं। झाड़ू कल ये बच्चों ने पता नहीं गली में क्या करा, इतने कागज फाड़ फाड़ के ना पूरी गली में कागज ही कागज हो रहे, कुछ तो उड़ के हमारे घर में भी आ गए। अब हवा चल रही है, सारा जितना झाड़ू लगा वापिस ही अंदर आ रहे हैं। लग रही हूँ पोछा, इस कमरे में तो लगा दिया, पंखा चला रखा, सूख जाएगा जल्दी। घर का झाड़ू पोछा लग गया, साफ हो गया सब कुछ। सब कुछ चमक गया बिल्कुल, सफाई के बाद कितना अच्छा लगता है, और रात को फिर घर सारा ऐसा ही हो जाता है। अब मैं करूँगी इस रायता बना लेती हूँ, मैं इसको निचोड़ के कूटूंगी फिर। तो भाई आज के लिए था बस इतना ही, तो मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। और आज मेरी तबीयत ना फिर से थोड़ी सी डाउन हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, है ना एकदम से ना एक ऐसी तबीयत सी ना डाउन पड़ जाती है, तो बस अब यही है। तो मम्मी अभी खाने वगैरह की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं इतने ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, क्योंकि इसके आगे तो अब हम कुछ करने नहीं वाले हैं। तो और फाइनली फाइनली हाँ अब लाइट लग गई, तो मिल जाए आपको कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बने रहेगा हमारे ब्लॉग में, मिलते आपको कल, तब तक के लिए गुड नाइट बाय बाय। अरे अरे मम्मी आ गई, बाय बोल दो, बाय बाय।